नमस्कार किसान भाइयों, फुलटन राय जी के एक मक्के के प्लॉट में खड़े हैं और अभी मक्के में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है इस समय, जो कि इस साल ज़्यादा अटैक हुआ, मतलब जिसको हम लोग बोल रहे हैं फॉल आर्मी वर्म, तो सर ये कीड़े का ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है। और अभी क्या है कि बहुत से किसान ऐसे हैं कि जो इस कीड़े से, इस दवा चीज़ से बहुत अवगत नहीं है, वो जंगली दवा मार रहे हैं, उनका एक इलाज नहीं मिल पा रहा है, ताकि उनका क्या हो रहा है कि मक्का दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा आज वही बताने जा रहे हैं कि इस कीड़े का सही उपाय और तरीका क्या है और उसका समाधान क्या है, वो हम दवा आपको बताएंगे किस तरह करना है और तरीका, स्प्रे करने का तरीका क्या होना चाहिए, वो मैसेज देंगे हम आपको। तो सर आप कितना एकड़ मक्का लगाते हैं? ढाई एकड़। ढाई एकड़ जी। हमारे पास एक दवा है जो कि सुमीपिलियो है और डाइपल है, तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा एक स्प्रे पंप उठाते हैं और थोड़ा सा तरीका दिखाते हैं सर। तो आप थोड़ा टंकी लाए ना सर। किसान भाइयों, हाँ सर, देखिए ये 16 लीटर का टंक है सर, इसमें हम सुमीपिलियो का जो डोज होता है 30 ml डाल रहे हैं सर। 30 ml हो गया सर। लो जी, मैं 30 ml सुमीपिलियो इस टंकी में डाल दिया। दूसरी दवा जो हमारे पास है वो डाइपल है, जो डाइपल को हम इसी दवा के साथ मिक्स करेंगे, जो कि इसका डोज भी 30 ml होगा सर। और ये देखिए हो गया सर 30 ml। लो जी, ये डाल दिया हमने। किसान भाइयों, इसमें हमने 30 ml सुमीपिलियो और 30 ml डाइपल का टंकी में डाल दिया और हम अभी दिखाते हैं आपको स्प्रे कैसे करना है। किसान भाइयों, आप एक चीज़ देख सकते हैं, नोजल जो होता है वो एक कैप वाला नोजल होता है जिसमें फवारा ज़्यादा बनता है। इस समय जो कीड़ा आ रहा है वो सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ आ रही है, इस मक्के के गड्ढे में आ रही है। तो हमें उस नोजल का इस्तेमाल नहीं करना सर, तो हमें इस गोल नोजल का इस्तेमाल करना है जिससे ताकि दवा आपके अंदर इसमें जा सके। हाँ, तो अभी हम दिखाते हैं आपको कि स्प्रे किस तरह करना है। आप देख सकते हैं ये सीधा एकदम गड्ढे में दवा जा रही है और जो कीड़े का मेन अटैक होता है इसी गड्ढे के अंदर होता है। और किसान भाई, आप देख सकते हैं इसी नोजल का आपको इस्तेमाल करना है और इसी तरह दवा का आप इस्तेमाल करना है, ताकि इसमें क्या होता है, गड्ढे में दवा जाती है। सर आप क्या कहना चाह रहे हो, आप कुछ बताइए, इससे क्या फायदा है इस नोजल से इस्तेमाल करने से? डायरेक्ट दवा इसमें जाता है। कहाँ जाता है? गोभा में जाता है, गड्ढे में जाता है। दवा की बचत है इससे सर? हाँ बचत है। कैसे बचत है आप बताइए थोड़ा सा। इससे पहले तो बहुत ज्यादा था। हाँ हाँ, इसी दवा से हमने किए थे, इससे रुका। अच्छा, तो इस जो नोजल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें सीधा डायरेक्ट गड्ढे में जा रही दवा? हाँ अभी तो जा रही है, पहले हमने नहीं किया इस तरह से। इस तरह नहीं किए थे? तो उसमें क्या समस्या आपको आई थी? उसमें सुधार नहीं हुआ। सुधार नहीं हुआ, हल्का हुआ सुधार। अच्छा, अब आ रहा है सुधार आपको? तो मार्ग थोड़ा दिखाइए ना। तो आप देख सकते हैं सर एकदम सीधा गड्ढे में दवा जा रही है। इसमें इन्होंने एकदम लाइन बाय लाइन, रो बाय रो पकड़ के इस्तेमाल किया है। और ध्यान दीजिए इनका इस्तेमाल, स्प्रे करने का तरीका देखिए, सीधा गड्ढे में दवा जा रही है। आप इसको देखिए और नोजल का खास कर ध्यान रखिए सर, नोजल कौन सा यूज करना है। कीड़े का मेजर अटैक होता है वो सीधा इस गड्ढे के अंदर होता है और जो दवा का हम स्प्रे करते हैं वो पत्ते पे जाता है सर, ताकि हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इस नोजल का इस्तेमाल करने से क्या होता है, जो कीड़ा अंदर होता है उसके अंदर आप दवा जब ऐसे स्प्रे मारते हो तो पूरा सीधे गड्ढे में दवा जाती है सर। तो इससे क्या होता है, आपको दवा का पूरा तरह से अच्छा रिजल्ट मिलता है और लंबा रिजल्ट मिलता है सर। और हमने जो सुमीपिलियो डाइपल का डोज दिया था 16 लीटर 15 लीटर पानी में 30 ml सुमीपिलियो और 30 ml डाइपल, तो आप किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब भी इस मक्के में इस कीड़े का अटैक हो आप गोल नोजल का इस्तेमाल करें और सुमीपिलियो और डाइपल का ही 30 ml सुमीपिलियो 30 ml डाइपल का इस्तेमाल करके लाइन बाई लाइन और मक्के के गड्ढे में इस्तेमाल करना है, इसमें करना है, ताकि आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन रिजल्ट मिले आपको। धन्यवाद किसान भाई।